नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम सभा को संबोधित किया पूर्व मुख्यमंत्री ने। कांग्रेस के पीसीसी चीफ व मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ रीवा पहुंचे। इस दौरान स्थानीय वृंदावन गार्डन में उन्होंने शहर के युवा व व्यापारी वर्ग के लोगों से चर्चा की, जिसके बाद स्थानीय पद्मधार पार्क में आयोजित आम सभा को संबोधित करने सभास्थल पहुंचे। सभास्थल से पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज चौहान से पिछले 18 सालों का हिसाब मांगा। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है, शिवराज आएंगे, नाटक नौटंकी दिखाएंगे व जनता से किस बात को लेकर वोट मांगेंगे। रीवा संवाददाता राजीव तिवारी की रिपोर्ट। चौहान ने आरोप लगाया है आपने जब कहा कि पुलिस प्रशासन मिलकर बीजेपी के पास अभी जन समर्थन नहीं है, केवल पुलिस प्रशासन और पैसे। मुझे मध्य प्रदेश के हर जिले से फोन आ रहे हैं, किस तरह ये दबाने की राजनीति, खरीदने की राजनीति, पुलिस का दबाव, अधिकारियों का दबाव। अगर जन समर्थन होता क्या इसकी आवश्यकता पड़ती? आज कुछ व्यापारी मुझे कह रहे थे रीवा में कि हमें भी कहा कि आप नहीं जाइए, हमें भी कहा कि आप मत जाइए। आज की जो हमने बैठक करी थी, ये दबाने की, अगर जन समर्थन होता है आपको इस सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जो उलझान आ रहे हैं पूरे प्रदेश से, जो उलझान आ रहे हैं, साफ स्पष्ट है कि 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र में चीजें चली है, जिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित लोग जीत रहे हैं, सत्ता का सेमीफाइनल इसे मान रहे हैं 2023 के लिए। हर चुनाव का अपना महत्व होता है, आज जनता की आवाज़ गूंज रही है और ये सबसे बड़ी बात है।